वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी लूथर्स। तो आज हम आपके लिए क्या लाए हैं, रेडी हो जाए देखने के लिए। हियर कम्स दी MT15 2020 BS6 मॉडल, जो कि मार्केट में अच्छी खासी कैप्चर कर रखी है, पूरा मार्केट इसमें बहुत ही बढ़िया बाइक है। और आज मैं आपको देने वाला हूँ इसका रिव्यू। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ, गाड़ी कम करो तो हो जाएगा। तो पहले तो आप लोग इसका लुक देख लीजिए, फ्रंट से दिखाइए। यहाँ पे दोनों लाइट्स LED दे रखी हैं, जैसे कि लुक आप लोग देख ही सकते हैं। बहुत ही एग्रेसिव इसका लुक दिखाया गया है यहाँ पे, बहुत ही रात में बहुत ही अच्छी लगती है। आज मैं आपको इस गाड़ी के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। तो गाड़ी चलने में बहुत स्मूथ है, बहुत प्यारी है, आवाज़ बहुत अच्छी है। एंड अगर गाड़ी की एवरेज की बात करें तो गाड़ी का एवरेज जो कंपनी क्लेम करती है 40-45 क्लेम करती है, बट अभी जो मेरे दोस्त ने ली हुई है तो उसको अभी 20-25 का दे रही है। अगली सर्विसिंग के बाद शायद एवरेज बढ़ जाए इसका, कह सकते हैं। एंड बाकी स्मूथनेस भरी पड़ी है इसमें। गाड़ी की डिटेल्स के बारे में बात करें तो इनमें दे रखा है 17 इंचेस का अलॉय व्हील, दोनों आगे पीछे दे रखा है। एंड ABS अपना ABS हो गया, डिस्क ब्रेक्स हो गया, डिस्क बहुत ही बड़ी है R18 R7। एंड पीछे इन्होंने ABS नहीं देखा, ABS मिसिंग है पीछे। बाकी ये एग्जॉस्ट अपना, आवाज़ अभी मैं आपको सुनाऊंगा आवाज़ कैसी है इसकी। बाकी ये ग्रिल दे रखी है पकड़ने के लिए। सीट इसकी बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है कि इसकी सीट बहुत ही छोटी है, बट बैठने में आपको फील नहीं होगा। हाँ, ये थोड़ा सा आपको चिपक के कंजेस्टेड होके बैठना पड़ेगा, पीछे सपोर्ट नहीं है पर बॉडी आगे रहती है, इसलिए आपको गिरने का डर नहीं रहेगा, आपको वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर बना रहेगा। बाकी इसकी फ्यूल कैपेसिटी 10 लीटर की दी हुई है, वैसे 11 लीटर चला जाएगा इसमें, और 10 लीटर का इसका दिया हुआ है। एंड बाकी सस्पेंशन इसके आगे वाले शॉकर्स एकदम नॉर्मल है, इसमें इनको थोड़ा चेंज करना चाहिए था, जैसा कि प्राइस 170,000 रखी है गाड़ी की, तो थोड़ा सा इसमें इन्होंने पैसा बचाने की कोशिश करी है यामाहा वालों ने। बाकी LED इंडिकेटर्स मिसिंग है इस गाड़ी में, 1,70,000 में इन्होंने LED नहीं दे रखी है, इन्होंने हैलोजन बल्ब दे रखे हैं। एंड बाकी ओवरऑल बैलेंसिंग बहुत ही अच्छी है इसकी, और अगर मैं इसकी आवाज़ सुनाना चाहूँ आपको तो आवाज़ कुछ ऐसी है इस गाड़ी की। यामाहा की गाड़ियाँ हैं तो आवाज़ तो बहुत ही अच्छी होगी, जब आप इसको स्पीड एकदम खींचेंगे इसकी तो बहुत ही प्यारी आवाज़ निकलेगी, यानी कि शोर शराबा करने लगेगी। इसकी टॉप स्पीड 140 है अभी तक, जो अभी नहीं दे रही है, जब आप सर्विसिंग करवा लेंगे उसके बाद 140 प्लस भी दे सकती है। स्पीड बहुत ही अच्छी है, चिपक एकदम रोड पर चिपक के चलती है, अच्छी चीज़ ये चीज़ है। आपको कभी लगेगा नहीं कि आप बैलेंस फ्रीक हो रहा है, बैलेंस हो रहे हैं, गिरने का डर है, आप कभी नहीं, गाड़ी आपके पूरे कंट्रोल में रहेगी। बाकी अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने स्लीपर क्लच भी दे रखा है गाड़ी में, ये बहुत ही अच्छा वो है कि चौथे पांचवे गियर में भी है और गाड़ी स्लो है, देन मैं अपना वो बैलेंस नहीं करूँगा, झटके मुझे फील नहीं होंगे। अब जो इसकी नेगेटिव की बात करें तो इसका ये जो बल्ब यहाँ दे रखा है LED वाला, ये आपको रात में आपको इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा रात में, क्योंकि इसकी थोड़ी ब्राइटनेस कम है औरों के कंपेरिजन, इसकी ब्राइटनेस बहुत लो है। एंड बाकी दिन में एक नंबर है, तो ये थोड़ा सा इसका नेगेटिव है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये टर्न इंडिकेटर्स दे रखे हैं, हॉर्न ऊपर दे रखा है, टर्न इंडिकेटर्स नीचे, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन बहुत हो जाता है कि पहले क्या दबाएं, तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और बाकी नॉर्मल इंजन ऑन, इंजन ऑफ स्विच दे रखा है। बाकी मुझे एसेसरीज़ की बात करूँ तो एसेसरीज़ कुछ थी नहीं हमारे पास, सीट कवर आफ्टर मार्केट 400 का मुझे मैंने लगवाया था, बाकी साइड में अभी मुझे लगवाना है उसके प्रोटेक्शन के लिए। बाकी गिरेगी तो ये ऑलरेडी दे रखा है, आप लोग जानते ही हैं। पीछे इन्होंने ये ड्यूक वाला थोड़ा सा फॉलो करने का कोशिश किया है, ड्यूक वाला ऐसे ड्यूक में निकला था, आपने देखा ही होगा, ड्यूक 125 में था, तो वैसा पीछे भी सेम LED दे रखा है। एंड पीछे के पहिए देखेंगे तो काफ़ी मोटे दिखते हैं, काफ़ी रोड कैची है, एंड बाइक भी एस यू नो की बहुत कैची लगती है। पीछे के सस्पेंशन मोनोशॉक हैं, बहुत अच्छे हैं।
बाकी अगर आप रोड पे लेके निकलेंगे तो ये एक आई कैची गाड़ी है, बहुत ही अच्छे से आपको अट्रैक्टिव बनाती है गाड़ी। तो निकलेंगे तो लोग ज़रूर देखेंगे आपकी तरफ। तो मैं आपको सजेशन दूँ इस गाड़ी के बारे में, तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है। दो तीन चीज़ें हैं जो इसको बनाती हैं, बट हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, आपको पता ही होगा। बाकी गाड़ी एक नंबर है, आप चाहें तो ले सकते हैं। बाकी आप लोग को पता ही है क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताइए कि कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी गाड़ी मुझे बताइएगा। इस गाड़ी के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए हो तो आप मुझे पिन करिए, मैसेज डालिए, कमेंट डालिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कुछ भी जानना है इस गाड़ी के बारे में, कुछ भी जानना है, तो थैंक यू सो मच, बने रहिए साथ में। थैंक यू।